गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री क्लासेस टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त, बिंदुसागर, अशोक कुमार गुप्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है ऋग्वेद सांस्कृतिक वैदिक काल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? वैदिक अवधि में, सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, आर्य अवधि में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, आर्य अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है? 5, 2, 4, 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। वेदों की संख्या जो है 4 होती है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देवपाल, धर्मपाल, महीपाल या गोपाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, धर्मपाल ने जो है धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? विवेक राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, किल्स राजवंश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, राष्ट्रकूट राजवंश जो है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ आयोजित की गई थी? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग सही है, लखनऊ में की गई थी। तीसरा, सबसे पहले जो अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन लखनऊ में की गई थी, ऑप्शन नंबर ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें से किससे पंजाब केसरी कहा जाता है? भगत सिंह, चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन घ सही है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लाई डफरिन, महात्मा गांधी, इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ख सही है, लॉर्ड डफरिन जो जब गवर्नर थे तो उनके कार्यकाल में के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, फिर सॉरी इसके लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, धर्मपाल ने जो है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, वास्कर, कौशाम्बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्ठ, अशोक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कनिष्ठ जो है चरण और नागार्जुन के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य समाज में प्रचलित हुई मुद्रा का नाम क्या था? काकड़ी, तोल, पड़ या दिनार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पड़।
मौर्य समाज में प्रचलित मुद्दा का नाम पण था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य अपहरण की नीति को शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, अडोल्फ हिटलर, जेम्स कैमरून। तो इसमें ऑप्शन नंबर क सही है, लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य अपहरण की नीति को शुरू की थी, ऑप्शन नंबर क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम फेंटिक, जेम्स कैमरून। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग सही है, लॉर्ड विलियम फेंटिंग ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया था, ऑप्शन ग सही है। तो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लें, शाम को आपको इंडियन हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन व विकल्प प्रश्न में मिल जाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।